नमस्कार, मैं आशीष, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने सभी थानेदारों की बैठक लेते हुए शहर के 10 थाना क्षेत्रों में एक से अधिक दर्ज मामले वाले आरोपियों पर प्रतिबंधक कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस आदेश का पालन करते हुए सभी थानेदारों ने अपने अपने क्षेत्र के उन बदमाशों की जाँच पड़ताल की थी जिन पर एक से अधिक मामले दर्ज है। इस जांच में यह बात सामने आई है कि शहर में कुल ऐसे 242 आरोपी हैं जिन पर एक से अधिक मामले दर्ज है। जांच दौरान यह बात भी सामने आई है कि इनमें से सर्वाधिक आरोपी अवैध शराब बिक्री तथा वर्ली मटका चलाने वाले हैं। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराध का ग्राफ कम बताया जा रहा है, लेकिन एक से अधिक मामले दर्ज वाले आरोपियों पर प्रतिबंधक कार्रवाई करने के आदेश से इन बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। नशे में धुत होकर मोटरसाइकिल तेज रफ्तार चलाना बडनेरा के 3 युवकों को महंगा साबित हुआ। बडनेरा के कोंडेश्वर से भानखेड़ा मार्ग पर दुपहिया मोटरसाइकिल तेज रफ्तार चलाते समय अनियंत्रित हुई दुपहिया मोटरसाइकिल सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि अन्य 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस घटना में मृत युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है जबकि दोनों घायलों में से एक का नाम राहुल संतोष पटेल तथा दूसरे का नाम अंकित रंजीत ठाकुर बताया गया है। शहर के खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के हिंदू शमशान भूमि के सटे काला माता मंदिर की दान पेटी में रखी रकम पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ करने की घटना सामने आई है। मामले की शिकायत खोलापुरी गेट थाने में दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार इस मामले में दर्ज शिकायत के अनुसार मंदिर में पिछले 15 वर्ष से यह पुजारी के रूप में विजय चिखलकर नामक युवक कार्यरत है। बीते सोमवार की सुबह विजय चिखलकर रोजाना की तरह मंदिर में पूजा अर्चना कर दोपहर अपने घर गए थे। शाम में मंदिर में लौटने पर उन्होंने पाया कि मंदिर में रखी दानपेटी तथा गर्भगृह की दानपेटी फोड़ करीब 7,000 की राशि पर हाथ साफ कर चलते बने। मंदिर में लगाए गए CCTV फुटेज खंगाले जाने पर 2 अज्ञात इस घटना को अंजाम देते नजर आए। मामले की शिकायत पर खोलापुरी गेट पुलिस इन अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। शहर के जय गुरुदेव नगर निवासी तायड़े परिवार की 80 वर्षीय वृद्धा सुभद्रा बाई मधुकर तायड़े गत सोमवार की दोपहर 2 बजे अचानक लापता हो गई। सुभद्रा बाई कुछ कह पाने में असमर्थ बताई गई है। इस संदर्भ में संपर्क करने के लिए सुभद्रा बाई के बेटे राजेश तायड़े ने 8484898919 इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का आह्वान किया है। शहर के रुक्मिणी नगर से सटे नारायण नगर स्थित एक सरकारी कुएं को परिसर के ही एक निवासी ने अपने निजी स्वार्थ के चलते घर के निर्माण कार्य से अतिक्रमित कर लिया है, जिसके कारण इसकी सर्विस लाइन व कुएं की ओर जाने वाला रास्ता बंद होने से नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ के नागरिकों ने क्षेत्र के पार्षद को भी शिकायत की थी, लेकिन पार्षद ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जबकि यहाँ के नागरिकों का आरोप है कि कुएं को पूरी तरह से ढक दिए जाने की वजह से इसका पानी दूषित हो सकता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने का डर स्थानीय नागरिकों को सता रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी क्षेत्र के निवासी डॉक्टर देशमुख ने दी। त्या विहिरीमुळे मी डॉक्टर असल्यामुळे सांगू इच्छितो की त्या विहिरीवर सध्या इकडे तिकडे सगळं झाकल्यामुळे ऊन तिथे पडत नाही आणि ऊन पडत नसल्याने उद्या ते पाणी गढूळ किंवा काही झालं दूषित झालं तर कदाचित कदाचित आमचे जीव जाऊ शकतात। त्याच्यामुळे त्या त्या विहिरीवर येण्याचा रस्ता तोही दिसत नाही कुठे आहे तर आणि झाडं झुडपं खूप वाढली आहेत, त्याच्यावर अतिक्रमण सारखं दिसत आहे। त्याच्या माझा मुख्य उद्देश एकच आहे की बा कोणाची जीवितहानी होऊ नये। जिला परिषद में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की मांग को लेकर विगत 6 दिनों से जिला परिषद के सामने मेलघाट शिक्षक कृति समिति की ओर से अनशन किया जा रहा है। अनशन के 6वें दिन सोमवार को 4 अनशनकर्ताओं की तबियत बिगड़ने से जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जिसमें अनशनकर्ता प्रियंका रामटेकी की तबियत गंभीर बताई जा रही है।
इसके अलावा सुरेश माहोरे, तुलसीराम चौहान, रामेश्वर देशमुख इरविन में इलाज ले रहे हैं। मेलघाट शिक्षक कृति समिति की ओर से अंतर जिला तबादले को लेकर अनशन किया जा रहा है। शासन की ओर से 27 फरवरी 2017 को जारी निर्णय के अनुसार अंतर जिला तबादला प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग को लेकर अनशन जारी है। इस दौरान 4 अनशनकर्ताओं की तबियत बिगड़ने से प्रशासन सख्ते में आ गया है। मी धारणी पंचायत समितीला कावडाचे या ठिकाणी 5 वर्षापासून कार्यरत आहे। माझी शासनाला एकच विनंती आहे की प्लीज करून आमच्या बदला करा, कारण की आमच्या महिलांवर इतका अन्याय होत आहे त्या ठिकाणी की खूपच। आम्ही एवढे वर्ष झाले तिथे सर्व्हिस करत आहोत, आमच्या मुलाबाळांचे खूप अतिशय प्रश्न आहेत तिथे। तिथे दवाखान्याची सोय नाही, काही नाही, आणि आज 27 जूनचा जी आर आहे अतिशय चांगला काढलेला आहे असे त्या साहेब पण अतिशय चांगलं कार्य करत आहेत, पण तरी ह्या बदला होत नाही आहे। तर प्लीज काहीही करा, पण ह्या बदला व्हावा असं मला वाटतं। आणि सपाटीवरील जे शिक्षक आहेत त्यांनी तिथे फक्त 3 वर्ष काढायचे जी आरनुसार। आम्ही तरी खूप वर्ष काढलेले आहेत पण फक्त 3 वर्ष काढायचे, पण तरीही हे शिक्षक तयार होत नाही। म्हणून माझी विनंती आहे की बदला व्हावा। प्लेनवरचे ज्या प्रस्थापित संघटना आहेत, या संघटनांनी या जी आरला विरोध केला। अगोदर त्याच लोकांनी हा जी आर आणण्यासाठी सरकारकडे आग्रह केला, परंतु नंतर त्यांना जेव्हा त्यांचे त्यांचा जो स्वार्थ आहे तो स्वार्थ जेव्हा त्यांना त्यांच्या अंगलात येत आहे असं जेव्हा त्यांना वाटलं तेव्हा त्यांनी या जी आरला विरोध केला। आणि 4 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी सर्व महाराष्ट्रामध्ये जुनी पेन्शनच्या नावावर लोकांना एकत्र करून म्हणजे बदल्याविरोधी मोर्चा काढला। आणि बदल्याविरोधी मोर्चा काढल्याच्या नंतर जी प्रक्रिया म्हणजे 10 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ही बदली प्रक्रिया 12 तारखेला पूर्ण व्हायला पाहिजे होती। 12 तारखेला शिवोच्या लागीनवर आमच्या याद्या यायला पाहिजे होत्या, परंतु 12 तारखेला शिवोच्या लागीनवर आमच्या याद्या न आल्यामुळे दिनांक 15 नोव्हेंबरपासून आम्ही मेळघाट कृती समितीच्या वतीने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला, आमरण उपोषणाचा पवित्रा घेतला। आणि आम्ही 15 नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषणाला बसलो। आज आमरण उपोषणाचा 6वा दिवस होता। आज आमचे जवळपास 16 पैकी 9 बंधू आज या घडीला इथं इरविन हॉस्पिटल अमरावती येथे ॲडमिट आहेत। प्रशासनाने आमचे जे बांधव आहेत जे आता ॲडमिट आहेत त्यांच्याबद्दल थोडीशी तरी क्यू दाखवावी, आणि लवकरात लवकर या बदले प्रक्रिया कशा पूर्ण करता येतील याकडे लक्ष द्यावे। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। ईशान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान, कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्या साठी, अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा। अग बाई गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों और किसानों में बसती है। यहाँ की 70-80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कपास में बोनडिल्ली से किसानों की बलि, फसलों को हो रहा भारी आर्थिक नुकसान, ऋण का भुगतान करने में असमर्थता, किसानों को निश्चित खरीद मूल्य न मिल पाना, सरकार की विभिन्न योजनाएं किसानों तक न पहुंचना, फसलों पर औषधि मारते समय किसानों की ही मृत्यु का होना आदि विभिन्न समस्याओं के चलते स्थानीय विश्राम भवन में शेतकरी संगठना के अध्यक्ष रघुनाथ पाटिल ने बातचीत की। आज महाराष्ट्र मध्ये शेतकऱ्यांची जी अवस्था है ती कधीच इतकी वाईट नव्हती अशी परिस्थिती झाली। कोणत्याही पिकामध्ये आज काही उत्पादन झालेलं नाही, पुष्कळ कमी झालं, अनेक नुकसान झालं,
आणि सरकारचा धोरणाचा परिणाम की ज्याच्यामुळे सगळे शेतीमालाचे भाव पडले त्याच्यामध्ये सोयाबीनचीही आधारभूत किंमत मिळत नाही. खरेदी केंद्र सुरू करायला पाहिजे होती. तुरीपासून जी बोंबाबोंब झाली ती उडीद झालं मूग झालं आता सोयाबीनचंही तसंच सुरू झालं. कापसामध्ये अनेक रोग आहे त्याच्यामध्ये अजून काही नुकसान भरपाई मिळायला पाहिजे ती नाही आहे. रोगावर औषधं मारली तर रोगाची किडी मरण्याऐवजी शेतकरी मरायला लागले अशी विपरीत परिस्थिती झाली. अशी औषधं कशी आली इथं त्याचाही शोध काही होत नाही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी चळवळ ही पुढं नेण्याच्या दृष्टीने सुकाणू समिती आम्ही सगळी जी महाराष्ट्रामध्ये गेले 6 महिने काम करतोय. आता पुढचा टप्पा म्हणून आम्ही विदर्भाच्या दौऱ्यावर आलेलो. आता काल बुलढाणा जिल्हा झाला, आज अमरावती आहे, उद्या नागपूर आहे. 25 तारखेला आम्हाला चंद्रपूरला राजू राहिला, आमचा मोठा कार्यक्रम आहे आणि त्याच्यानंतर मग परत जाणार. तर या 5-7 दिवसामध्ये 1 आठवड्यामध्ये सर्व ठिकाणी जे काही शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये अनेक जण मृत्यूमुखी पडलेले आहेत, तर या सगळ्याचा जे काही सरकारच्या बाजूनी त्याच्या चौकशा व्हायला पाहिजे, नुकसान भरपाई मिळायला पाहिजे किंवा हे पुन्हा होणार नाही याच्यासाठी जे काही दक्षता घ्यायला पाहिजे त्या घेतल्या जात नाही आहे. आणि आजही ही अवस्था शेतकऱ्यांची बिकट होत चाललेली आहे, त्याच्यासाठी सुकाणू समिती एक मोठं आंदोलन उभं करणार आहे. आम्ही सबन देश पातळीवरचे सगळे शेतकरी आज अस्वस्थ आहेत, त्यांना सगळ्यांना पुण्याला 12 डिसेंबर हा बाबू गेनूंचा स्मृती दिवस आहे, त्याचप्रमाणे शरद जोशींचाही स्मृती दिवस आहे. तर 10, 11 आणि 12 डिसेंबर हे 3 दिवस पुण्यामध्ये देशभरातले सगळे शेतकरी चळवळीतले कार्यकर्त्यांना एकत्र करून आम्ही हा एक मोठा कार्यक्रम तिथं आयोजित केलेला आहे. याच्यामध्ये पुढील दिशा आम्ही ठरवण्याचा प्रयत्न करतो. आम्ही सगळे लोकशाही मानणारे लोक आहोत. लोकशाहीच्या मार्गाने आज काँग्रेसवाल्यांनी शेतकऱ्यांशी विश्वासघात केला, तसाच भाजपानेही केला. तो तिसरा पर्याय शेतकऱ्यांना उभा करावा लागेल त्या दिशेने आमची वाटचाल झालेली आहे. तर त्याला विदर्भातून मोठा प्रतिसाद मिळत चाललेला आहे. विदर्भामध्ये कलासवासी शरद जोशींनी पुष्कळ गावोगाव शेतकरी चळवळ पोहोचवलेली आहे. त्यातले सगळे तरुण शेतकरी आज पुन्हा एकदा या मैदानात उतरत आहेत ही आमच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्याचबरोबर सत्यशोधक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे लोक आहेत, बळीराजा शेतकरी संघाचे लोक आहेत, वेगवेगळ्या संघटना आज जवळजवळ 35-38 संघटना महाराष्ट्रातल्या सुकाणू समितीमध्ये आहेत आणि एक संघ बने आम्ही एक पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न करतो. किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आगामी 10, 11, 12 डिसेंबर को पुणे में देश स्तर के किसानों को एकत्रित कर आगे की दिशा तय की जाएंगी. सुकाणू समिति अंतर्गत लगभग 35 से 38 विभिन्न संगठन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. साथ ही बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरे पर्याय को लेकर भी इसमें चर्चा होने की बात कही गई. इस समय शेतकरी संघटना के विदर्भ प्रमुख दिनकर डहाके, गणेश जगताप, सुकाणू समिति के धनंजय काकड़े भी उपस्थित थे. पिछले दिनों अकोला जिले के मनपा उपायुक्त व उनके सचिव को रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने धर दबोचा था. इस मामले की गूंज मंत्रालय तक जा पहुंची. घटना के बाद से जहां अकोला मनपा में शमशान सा सन्नाटा छाया हुआ है, तो इसका प्रभाव अमरावती मनपा में भी देखा जा रहा है. अकोला मनपा उपायुक्त व उनके सचिव को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार होने के बाद जहां दोनों पर निलंबन की गाज गिरी है, तो स्थानीय मनपा कार्यालय में भी मनपा अधिकारियों तथा सचिवों के साथ ही कार्यालयीन बाबुओं को साफ सूंघ गया है. अब तो फाइल इधर से उधर पहुंचाने वाले भी यहां आने वाले को संदिग्ध नज़रों से देख रहे हैं. दिन तो दिन, रात में सपनों में भी मनपा कर्मचारियों को एसीबी का भूत सता रहा है. दबी जुबा में भी कोई पैसे के लेन देन की बात करने से कतरा रहा है. ये वही मनपा है जहां नियमों से काम करने वालों की चप्पलें घिस जाती है. जरूरतमंद मनपा की सीढ़ियां चढ़कर शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं. लेकिन अकोला मनपा के उपायुक्त को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार करने के बाद अमरावती मनपा के कर्मचारियों में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसा मानो यहाँ सभी काम सरल और सीधे तरीके से होता हो.
शहर के संजय गांधी नगर क्षेत्र के निवासियों को उनके मकान खाली करने की नोटिस दिए जाने को लेकर मचे बवाल के बाद अब आगामी 24 नवंबर को स्थानीय महानगर पालिका कार्यालय के सभागृह में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी तथा महानगर पालिका के सभापति उपमहापौर प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। अपन जाणून घेऊया संजय गांधी नगर मध्ये जो वन विभागाचं अतिक्रमणचा विषय झाला, जमिनीवरचे भिंती राहणारे जवळपास 2500 जास्त लोकवस्तीचे घर आहे, तर तिथल्या संदर्भात 24 तारखेला मीटिंग होणार आहे। या मीटिंग संदर्भात आयुक्त, उपायुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांचे सचिव तसेच महानगरपालिकेतील संबंधित अधिकारी आणि उपमहापौर हे सर्व या बैठकीला राहणार आहे। त्यात जाणून घेऊया की ही बैठक कशा पद्धतीची राहणार आणि यावर काय निर्णय लागेल। संध्याकाळ टिकले यांच्या संजय गांधी नगर हे जे वन जमिनीवर बसलेला भाग आहे, हा भाग माझ्याच प्रभागामध्ये येत असल्यामुळे याच्याशी मला पूर्णपणे जुळलेली आहे, मी याची पूर्ण मला कल्पना आहे। कारण की याच्या आधीसुद्धा मी त्या भागातून निवडून आलेली होती, त्या नागरिकांशी माझा प्रत्यक्ष संबंध आहे आणि आमच्यासोबतचे जे नगरसेवक आहेत अजय गोंडाने हे सुद्धा त्याच वस्तीत राहणारे असल्यामुळे संजय गांधी नगर कशा प्रकारे वाचवता येईल, त्या लोकांना कशा प्रकारे थांबवता येईल त्याच जागेवर, यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करीत आहोत। संजय गांधी नगर हे वस्ती जवळपास 1978 पासून बसलेली आहे आणि त्या ठिकाणी त्या नागरिकांनी नागरिकांना आपण सर्वच प्रकारच्या सुखसुविधा दिलेल्या आहेत। घरं त्यांची 2-2 मजली घरं बांधलेली आहेत त्या लोकांनी, अनेक सुविधा रस्ते, नाल्या, रोड, इलेक्ट्रिक, पाणी आणि विविध प्रकारच्या सुखसोयी त्या नागरिकांना आपण दिलेल्या आहे आणि एवढी मोठी वस्ती उठवणं म्हटल्यानंतर त्या भागातील जे नागरिक आहेत त्यांची तर त्या ठिकाणी तसं पाहिलं तर झोपच उडालेली आहे। म्हणजे कितीतरी लोक कुठे जायचं, कोणाकडे जायचं अशा प्रकारे धावपळ करत आहेत। असं करत असताना आम्ही त्या प्रभागाचं प्रतिनिधित्व करत आहोत, अजय गोंडाने आणि मी। आमच्या माध्यमातून आम्ही कलेक्टरला एक निवेदन दिलं, त्यानंतर आम्ही नितीनजी गडकरी यांच्याकडे जाऊन नागपूरला त्यांना या भागातील पूर्ण पार्श्वभूमी समजावून सांगितली, या भागातील नागरिकांना आपल्याला कसं त्याच ठिकाणी त्याच जागेवर ठेवता येईल, त्यांची जी घरं आहेत ती कशी कायम ठेवता येईल, कशी वाचवता येईल, यासाठी आम्ही त्यांच्याकडे निवेदन दिलं आणि त्यांच्या सोबत चर्चा करून त्यांनी जे सांगितलेले आम्हाला निर्देश होते किंवा सांगितलेल्या काही उपाययोजना होत्या त्या कशा राबवता येईल याकडे तिकडनं आल्याबरोबर आम्ही लगेच सुरुवात केली। त्यानंतर आम्ही मुंबईला जाऊन वनराज्यमंत्री मुनगंटीवार साहेब यांना सुद्धा एक निवेदन दिलं। अमरावतीचे आमदार माननीय सुनील देशमुख आमच्यासोबत होते, शिवराज कुलकर्णी होते, आमच्या प्रभागाचे नगरसेवक अजय गोंडाने हे सुद्धा आमच्यासोबत होते। त्यानंतर आम्ही तिकडनं आल्यानंतर अमरावतीचे पालकमंत्री प्रवीणजी पोटे यांनासुद्धा कलेक्टर ऑफिसला कलेक्टर आणि सगळ्यांच्या समोर एक निवेदन दिलं आणि त्यांनासुद्धा हा प्रश्न समजून सांगितला। त्यांनीसुद्धा या प्रश्नाला कसा न्याय देता येईल याकडे पूर्ण लक्ष घातलेलं आहे आणि त्या लोकांना त्याच जागेवर कसं ठेवता येईल यासाठी आमचे पुरेपूर प्रयत्न चालू आहेत। आता अमरावती महानगरपालिकेच्या आमसभेतसुद्धा आम्ही एक ठराव मांडला, त्या ठरावाच्या अनुषंगाने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या महानगरपालिकेत बोलवायचं, त्यासाठी एक बैठक आम्ही आयोजित केलेली आहे। त्या बैठकीमध्ये वन विभागाचे अधिकारी राहतील, ही बैठक आम्ही माननीय आयुक्तांच्या लगतच्या कक्षामध्ये माननीय महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली ती बैठक घेतलेली आहे आणि त्या बैठकीला अमरावती महानगरपालिकेचे अधिकारी, सर्व पदाधिकारी, महापौर, उपमहापौर, त्या भागाचे सन्माननीय नगरसेवक आणि स्थायी समितीचे सभापती, गटनेते, पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते या सर्वांना बोलवून आणि महानगरपालिकेचे त्या त्या संदर्भातले सर्व अधिकारी यांना बोलवून एक बैठक घ्यावी असा ठराव आम्ही आमसभेत केला होता। त्याच अनुषंगाने ही 28 तारखेला 4 वाजताची आम्ही बैठक आयोजित 24 तारखेला 4 वाजता आम्ही एक बैठक आयोजित केलेली आहे आणि या बैठकीमध्ये कसा प्रस्ताव तयार करायचा, म्हणजे वन विभागाचं काय म्हणणं आहे, त्यांना काय अडचणी आहेत,
त्यांना आपल्याकडून अपेक्षित काय आहे, आपण त्यांना कसं करून दिलं म्हणजे हे या लोकांच्या जमिनी वाचतील यासाठी आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करत आहोत आणि 24 तारखेच्या 4 वाजताच्या सभेत यावर सविस्तर चर्चा करून नंतर चांगल्या प्रकारचा प्रस्ताव सादर करून तयार करून तो एक प्रस्ताव आम्ही राज्य शासनाला आणि त्यानंतर केंद्र शासनाला सुद्धा देणार आहोत. अशा प्रकारचं आम्ही म्हणजे कसा पर्याय काढता येईल, कसा त्यातून मार्ग काढता येईल आणि त्या लोकांना त्याच जमिनीवर त्याच भागात जिथे ते राहत आहेत, ज्यांचं आयुष्य त्या ठिकाणी गेलेलं आहे, त्या ठिकाणी ते कसे राहतील यासाठी आमचे पूर्ण प्रयत्न चालू आहेत. नेमकं बघायला गेलं तर जे संजय गांधी नगर मधील जे काही नागरिक आहेत त्यांना बेघर नाही झाले पाहिजे यासाठी महानगरपालिकेचा हा प्रयत्न आहे आणि हा प्रयत्न यशस्वी हो यासाठी सर्वजण महापालिकेतून प्रयत्न करत आहोत. कॅमेरा पर्सन पूजा सह मी प्रवीण पुलेकर, BCN News अमरावती. महानगरपालिका क्षेत्र में यातायात में बाधा साबित होने वाले राजापेट उड़ान पुल की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो चुकी है. बावजूद इसके ROB निर्माण का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है. ऐसे में ठेकेदार को और समय मिलना चाहिए. इस प्रस्ताव की फाइल निगमायुक्त के टेबल पर पड़ी थी. निगमायुक्त हेमंत पवार ने चर्चा कर चाफेकर कंसल्टेंसी को कितने दिन का समय बढ़ाकर दिया जा सकता है इसकी जानकारी संबंधित विभाग से मांगी है. बता दें कि महानगरपालिका ने साल 2015 में चाफेकर कंसल्टेंसी को काम सौंपने के बाद राजापेट उड़ान पुल की कीमत 40 करोड़ रुपए तय की गई थी. साल 2016 में नक्शे में हुए बदलाव के बाद कीमत 49 करोड़ तक बढ़ी है और अब पुल की कीमत रेलवे का हिस्सा मिलाकर 60 करोड़ तक पहुंच चुका है. यानी साल दर साल पुल की कीमत बढ़ने लगी है. ऐसे में समय सीमा बढ़ाने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हुआ तो मनपा को शासन अनुदान के लिए फिर सरकार के सामने गुहार लगानी पड़ सकती है. निगमायुक्त हेमंत पवार ने इस संबंध में बताया कि उड़ान पुल के निर्माण में ज्यादातर गलती मनपा प्रशासन की ओर से हुई है. इस कारण पुल निर्माण के लिए संबंधित ठेकेदार को समय देना आवश्यक होगा, तभी पुल का निर्माण पूरा हो पाएगा. मनपा की ओर से निधि अभाव के कारण चाफेकर कंसल्टेंसी ने काम शुरू करने में देरी की थी जिसके कारण काम में देरी हुई है. अब प्रकल्प को मंजूरी मिलने के साथ ही महाराष्ट्र राज्य नगर उत्थान अभियान से इसे निधि उपलब्ध होगी. शहर सहित जिले में हजारों वाहन रोजाना केवल छात्राओं को शालाओं में लाने ले जाने के लिए रास्तों पर दौड़ते हैं, जो अनेकों बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. जिसे देखते हुए RTO तथा यातायात पुलिस विभाग की ओर से ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों पर कार्रवाई करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं. यह नियम स्कूल बस, ऑटो चालकों सहित उन वाहनों पर भी लगाया जाएगा जो इसके दायरे में आते हैं. बता दें कि रोजाना शहर के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों स्कूली वाहन विद्यार्थियों को अपने वाहन में स्कूल पहुंचाने व लाने का काम करते हैं, लेकिन इनमें से ऐसे अनेक वाहन भी हैं जो नियमों को ताक पर रखकर विद्यार्थियों को अपने वाहन में बिठाते हैं तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है तो विद्यार्थियों की जान से भी खिलवाड़ होता है. RTO से मिली जानकारी के अनुसार बीते 10 माह में इस प्रकार की 6 घटनाएं हो चुकी है, जबकि स्कूली वैन में आग लगने की 4 घटनाएं सामने आई है. ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. नियमों के अनुसार ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियां समाप्त होते ही इन स्कूली वाहनों को RTO में फिटनेस जांच के लिए ले जाया जाता है. RTO से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिले में कुल 1860 स्कूल बस तथा 4200 स्कूल वैन है, जबकि ऑटो चालकों की संख्या 7000 से अधिक बताई गई है. जिले सहित शहर के अधिकांश विद्यार्थी इन स्कूली वाहनों का उपयोग करते हैं. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनी के शहर व जिले के 2,24,783 ग्राहकों पर 40 करोड़ के बिल बकाया है, जिसमें घरेलू, वाणिज्य तथा औद्योगिक ग्राहकों का समावेश है. बकाया बिल वसूलने के लिए महावितरण कंपनी मंगलवार से वसूली मुहिम प्रारंभ की. बिजली गुल होने की नौबत से बचने के लिए
तत्काल बिल भरकर महावितरण कंपनी को सहयोग देने का आह्वान मुख्य अभियंता ने किया है। बकाया बिल में 2,05,236 घरेलू ग्राहकों में से 31,34,058 का बिल बकाया है। इसी तरह वाणिज्य के 17,031 ग्राहकों के 7,09,17,000 तथा 2,516 औद्योगिक ग्राहकों के 1,55,36,000 के बिल बकाया है। मंगलवार से प्रारंभ की गई वसूली मुहिम अभियान आगामी 25 नवंबर तक चलेगा। इस मुहिम में 2,24,000 से अधिक ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई कर बिल वसूला जाएगा। हाल ही में पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने शहर के 4 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए थे, जिसमें बडनेरा के थानेदार दिलीप पाटिल को सिटी कोतवाली, गाड़गेनगर के कैलाश पुणकर को भातकुली, भातकुली के गोपाल भारती को नियंत्रण कक्ष तथा सिटी कोतवाली के मनीष ठाकरे को गाड़गेनगर भेजा गया था। इनमें से बडनेरा के दिलीप पाटिल को छोड़कर अन्य सभी ने बदली किए गए स्थानों का पदभार ग्रहण किया था, लेकिन किसी कारणवश थानेदार दिलीप पाटिल सिटी कोतवाली थाने का पदभार नहीं ले पा रहे थे। लेकिन बीते सोमवार को उन्होंने बडनेरा थाने से रिलीव होते हुए मंगलवार की सुबह सिटी कोतवाली का पदभार ग्रहण किया। स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय का बाल रोग वार्ड पुनः मरीजों की सेवा में शुरू हुआ है। 4 माह तक यह वार्ड बंद था। जुलाई महीने से पीडीएमसी के बाल रोग वार्ड बंद रहने से शिशुओं के उपचार में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बाल रोग वार्ड बंद रहने से इरविन व डफरीन तथा निजी अस्पताल में बाल रुग्णों को उपचार के लिए दाखिल किया जा रहा था। बाल रोग वार्ड पीडीएमसी में शुरू होने से बाल रुग्णों के इलाज का मार्ग प्रशस्त हुआ है, लेकिन पीडीएमसी का एनआईसीयू विभाग अभी भी बंद है। शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से भागदौड़ की जा रही है। ध्यातव्य हो कि सितंबर में श्री शिवाजी शिक्षण संस्था में सत्ता परिवर्तन हुआ, महाविद्यालय के अधिष्ठाता को भी बदला गया। डॉक्टर दिलीप जाने की जगह पर डॉक्टर पद्माकर सोमवंशी को अधिष्ठाता पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने बंद बाल रोग विभाग शुरू करने का प्रयत्न किया, उनके प्रयत्न सफल हुए। कुछ दिनों पूर्व ही पीडीएमसी में बाल रुग्णों के लिए 60 बेडों वाला वार्ड सज्ज किया गया। वर्तमान में 10 मरीज इस वार्ड में उपचार ले रहे हैं। बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर केवाई विलेकर को पदभार सौंपने की जानकारी मिली है। तो ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, साउजी कॉम्प्लेक्स, सती धाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।